हाँ उठा के थक गया, 5 बज गए शाम के, उठ जाओ, जाना है कि नहीं जाना? शॉपिंग नहीं करनी तुम्हें अपनी? नहीं चाहिए स्कूल का सामान? नहीं चाहिए स्टेशनरी बॉटल और ये और वो जो रात में बोल रही थी? चाहिए कि नहीं चाहिए? उठो ना, 5 बज गए जल्दी से, 2 मिनट में उठी ना फिर देखना। अरे स्कूल खुलने वाला आगे 8, 9, 10 मुहर्रम आ रहा है, फिर 12 मुहर्रम है, मैं तो बिजी हूँ। सीधी बात है, मैंने इसको बोला था कि हम आज चलते, इसने भी बोला था हाँ बस सुबह उठते ही मैं तैयार हो जाऊंगी, मैं गेम में वो मैं वो हम लोग चलेंगे, लेकिन ये अभी तक तैयार नहीं हुई है। तैयार को तो छोड़ो, अभी तक उठी नहीं है ये, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ नहाने, नहा के आऊँ ना को मैं जबरदस्ती उठाऊं। आप लोग एक काम करो, हे फैम व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब ये गई चलो उठ जाओ, आप हाथ हटाओ मुंह पे से, जादू लग रही हो, अल्लाह माफ। फिजा तुम ना मुझसे पिटोगी, फिजा अच्छा उठ रही हूँ, 5 मिनट तुम्हारे कब से, 1 घंटे से 5 मिनट सुन रहा हूँ, उठो फौरन। उठ गई चलो उठो, चश्मा पहन, चलो उठो, ये बिस्तर का भी क्या हाल करके सोती, चल उठ उठ उठो। अच्छा मैं बाल बना के जाऊंगी, बाल बना के नहीं अंदर बनाना, चलो अंदर शीशा है, चलो चलो नजर नहीं आना। इसको हमने ये वाले वॉशरूम में भेज दिया, मैं नीचे जा रहा हूँ वॉशरूम, मैं भी नहा धो के आता हूँ, नहा धो के जल्दी से चेंज कर लो फिर हम चलते हैं, मैं नीचे जाता हूँ, मैं अपने कपड़े निकालता हूँ, मैं भी जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो 2 मिनट लगते हैं बेचारे। चलो यार मौसम के सूरत हाल आज थोड़े से चुभन वाले हैं, तो मैं शायद देर से निकला हूँ इसलिए मुझे कुछ चुभ रहा है। सूरज यहीं पे बिल्कुल सामने देख रहे हो, एक अंदाजा हो जाता है मुझे कि आप मतलब मैं हर तरफ देख रहा हूँ, मुझे इतना नहीं चुभन हो रही, इस तरफ देख रहा हूँ तो ज्यादा चुभ रही है आंखों में, नजर नहीं आ रहा सूरज, लेकिन यहाँ बादलों के पीछे है सूरज, ये देखो आंखें कैसी खुल गई, ये देखो ये देख रहे हो, ये सीन होता है भाई, फार्म में बैठ के हमने बहुत किया, सीधी बात है। मैं तो नहा धो के रेडी हो गया, अब जरा इसको चेक कर, हेलो तैयार हो गए है, माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें जल्दी से कमरा वमरा भी समेट दिया, गुड़ गड़ लें हमारी ये, सुबह एहसान हो रही है, चलते बस गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करते हैं फिर निकलते हैं। हाँ भाई गाड़ी में भी बैठ गए, अब तुम मुझे बताओ तुम्हें चाहिए क्या क्या? मुझे चाहिए जो भी स्टेशनरी का सामान होता है, जैसे पाउच वो सब होता है, पाउच पेन पेंसिल इंक वगैरह, और क्या चाहिए? और मुझे शायद अगर अच्छा कोई बैग लगा तो वो, और एक बॉटल शायद, बॉटल तो मेरे पास बहुत, बॉटल तो बहुत है, हाँ बहुत भरी हुई, और न्यू भी सिप्पर रखे हुए, बॉटल रखी हुई, बॉटल मेरे पास बहुत, बॉटल की दुकान। आप सबके भी स्कूल खुलने वाले होंगे, आप लोग भी अगर बॉटल खरीदनी है तो इनसे कांटेक्ट कर लें। कितने की बेच रही हैं आप एक बॉटल? 50,000 की? नहीं, 2.5 करोड़। खत्म कर दी ना, खान की बॉटल है, कोई हल्के में मत लीजिए, फिजा खान ने उसमें पानी पिया हुआ है। चलो चलते हैं, देखते कहाँ जाना है, पहुंच गए, पार्किंग नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से यहीं पार्क कर दी। हेलो उतर के पहले मास्क लेने फिर जाना है, पहले लेने 2 मास्क, आंटी 2 मास्क दे दीजिए, ब्लैक वाले हैं, चलो फिजा ये ले, उसे अच्छा लेना कोई बेकार वाला नहीं, ये देखो ये भी अच्छा है थोड़ा सा, कौन वाला है टाइम, कोई मैं यूनिकॉर्न वाली थोड़ी हूँ ना, ये मेरी पाउच सिंपल वाले नहीं है, यहाँ पे इंक पेन वगैरह ले लो, पाउच हम कहीं और से ले लेंगे, ये भी ले लो जरा अपने होटो पे लगा लेना, ये इंक पेन होता है, ये इंक पेन है, ये इंक पेन चेक कर रही थी, ये चेक नहीं करो, ये कोई मेकअप नहीं है भाई, देखते हैं निकालते हैं इसके लिए कोई अच्छा सा इंक पेन यार, ये कौन सा वाला है, ये हाईलाइटर, अच्छा सॉरी ये भी हाईलाइटर है, चार ले लो ताकि बाद में मसला ना हो, ये कभी रो नहीं कि पेन गुम गया, इंक नहीं है, और ये वाला सामान ले लिया इसने, कुछ पेन है, इंक है, ये मैं बाद में दिखा दूँ, क्या बोल रही हो? मैं कह रही हूँ मेरी बर्थडे में मुझे एक ये गिफ्ट करना, और क्या गिफ्ट करना है, ये लो डालो, नहीं बर्थडे पे करना, नहीं नहीं अभी चलो ले लो, अरे मेरा दिल का जिगर का टुकड़ा है, लेकिन जब सिर्फ चीजें दिलाते तब अच्छा लगता है, और ऊपर जा रहे कुछ सामान लेने, ऐसा लेना कि 9 मैट्रिक के हिसाब से 8 क्लास में आ गई हो तुम, नहीं तो हमारे स्कूल में 9 जो है ना वो 2 साल पढ़ाएंगे और 8 का तो पढ़ाएंगे ही नहीं, ले लिया सारा सामान, ठीक है ये रहा, अभी ये नीचे चल के गाड़ी में सुकून से दिखाता हूँ, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, सारा काम हो गया इसका सही है, तो जो जो चाहिए था जो जो चीजें थी वो सब मैंने दिला दी, अब बारी है खाने की, नाश्ता मैंने भी नहीं किया हुआ और इसने भी नहीं किया हुआ, क्या खाना है जल्दी बताओ, मैं सोच रही हूँ अभी मैंने अपने दिमाग में जोर लगाया तो मैं सोच रही हूँ पिज्जा फ्राइज खा लें, अब बोलो शीशा बंद हो गया तुम्हारा, मैं सोच रही हूँ कि पिज्जा फ्राइज खा लेता हूँ, पागल हो गई हो क्या, सुबह सुबह पिज्जा फ्राइज, सुबह शाम हो रही है, मतलब शाम में कौन खाता है पिज्जा फ्राइज, अभी तो भाई वो देखो पीछे इतने सारे बर्गर लैब आ रहा है, हॉब नॉब आ रहा है, बर्गर शेक आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, लेकिन खाने इनको पिज्जा फ्राइज ही है, मैकडॉनल्ड्स खाओगी, मैकडॉनल्ड्स लेकिन अभी बहुत दूर जाना पड़ता है, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए, मैं सुबह बताओ अगर जल्दी से खाना है मैकडॉनल्ड्स,
मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं खा लूंगा तुम्हारे बहाने। अच्छा फिर जो भी खाना हो खा लेते हैं। चलो फिर जो भी खाना हो खा लेते हैं। खाना खाने की बात थी ना, मैंने बोला चलो आओ इसको कुछ अच्छा खाना खिला के ला। जल्दी आओ। कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, बहुत ना कोई कम चीजें अवेलेबल हैं इस वक्त, जिसमें से नगेट्स थे मैंने ऑर्डर किए थे लेकिन मिले नहीं। पिज्जा अल्फ्रेडो पास्ता मिल गया, मैंने अल्फ्रेडो पास्ता के साथ ये चीज स्ट्रिप्स करा दिए। लेट्स सी कितनी देर में आती है, और हम यहाँ नहीं खाने वाले क्योंकि यहाँ बहुत रश हो रहा है। फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अभी आधा घंटा है भाई, अब हम क्या कर सकते थे। मैंने बोला चलो यहाँ से निकल जाए, इसको पैसे दे दूंगा, मैं यहीं से एटीएम से पैसे दे रहा हूँ, तुम घर जाके ऑर्डर कर लेना। अरे भूखे हैं ना सर, में क्या करें यार। नहीं नहीं टाइम वो देखो मगरिब होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता। यार ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अच्छा ये बताओ कौन सा एटीएम है। एक मास का ब्लॉग देखेगा जिसमें मैं हुसैन लारे हम लोग सब रुके थे, उसमें एक सीन हुआ था, उसमें कॉल आई थी वो ये वाला था। एक सेकंड, वो ये वाला टेलीफोन था जिसमें से मम्मा की कॉल आती थी। 500 ये आपके पैसे, अब आप घर जाके खाना कुछ भी खा सकते हैं। तो हमें अभी इसको छोड़ना है, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर जब मैं रात में आऊंगा ना फिर हम लोग रात में बैठ के देखेंगे कि तुम क्या क्या खरीदा था। सही है, शायद पता है मैं कुछ खरीदूंगी ना, मैं ये पैसे संभाल के रखूं। अरे पैसों की बात नहीं कर रहा मैं, ये पीछे पड़े सामान की बात कर रहा हूँ। ये भी तो आप लोग को दिखाना है ना, बकरे वगैरह तो दिखा नहीं सकता मैं, तो ये ही दिखाएंगे आप लोग को। चलो खैर मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ बकरों के पास, वहाँ से जब वापस आऊंगा फिर मैं इसको वापस ज्वाइन करूंगा। ओके जब तक के लिए चाय पी लो। स्नैक खाए बगैर मेरे पीछे छोड़ना नहीं था, आप लोग तो चाय पी रहे हो वो ठीक है, मुझे भी फ्राइज खिला रही है और खुद भी फ्राइज खा रही है, लिमका भी आ रहा है, तो ये खा पी के अब आप जाओ सुकून से चाय पीने, और हम खा रहे हैं फ्राइज और लिमका। सही है अब खुश हो, खा लिया। लेकिन एक अफसोस की बात, इसके 500 रुपए में मैं भी खा रहा हूँ। कोई बात नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं, इतनी महंगाई हो गई है वैसे भी, अभी जब सामान लिया है। चलो चुपचाप खाओ और जाओ। Now we are back with another vlog. नहीं sorry, मतलब ये वही वाला vlog चल रहा है। और अब आरी है ये दिखाने की कि फिजा ने आज क्या क्या खरीदा है, इतना खर्चा हुआ, क्या खरीदा, स्कूल में ये क्या पढ़ेंगी क्या नहीं। आइए नाज़रीन हम सही से इनका इंटरव्यू लेते हैं। जी कैसी हैं आप? हेलो हेलो टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, थोड़ा अपने हाथ धूल रखी। प्लस टू भी है, पायलट? यस यस यस, आर्मी स्टूडेंट। और जो है कि कहता अगर मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं तो मेरे पैसे कैसे वसूल होंगे गाइस? गाइस पैसे इनके नहीं लगे गाइस, पैसे हमारी जेबों से जा रहे हैं गाइस। ये हाल देख सकते हैं हमारी जेबों का, आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई मर्द हजरात देख रहे हैं तो वो औरतों के और बच्चों के खर्चे समझ सकते हैं। गाइस अभी आप लोग मेरा बैग देख सकते हैं, आगे से दिखाती हूँ, जब आप आगे से देखेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे क्योंकि वो चीज ही ऐसी है। तो दिखाइए जी, बिल्कुल देखना चाहेंगे, वो लोग कोई पागल थोड़ी है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जो बैठे हैं, पागल है क्या? नहीं ना, ब्लॉग देखने के लिए बैठे हैं तो देखेंगे जरूर। बिस्मिल्लाह करिए बेटा, बिस्मिल्लाह करिए, शाबाश। ये मेरी फेवरेट सीरीज का बैग है और वो है स्क्वाड गेम। ये बड़ी जिद की है, मैं तो अच्छा, हम बचपन में ख्वाहिश होती थी कि हम कैमल माउंटेन का बैग लें, लेकिन मैंने इसको बोला कैमल माउंटेन का बैग लो, नहीं आजकल के बच्चों कुछ है ही नहीं, इनको स्क्विड गेम वाला चाहिए। वाह, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मैं सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। चलो जल्दी जल्दी खोलो सीजन। सबसे पहले सीजन 2 आपने शायद ब्लॉग में देखी हो या ना हो, ये मैंने भाई को बोला था कि मुझे बर्थडे पे दिला दो, पर भाई असल में मेरे भाई इतने अच्छे थे, मुझे भाई ने अभी दिला दिया, तो मुझे इतना प्योर लगता है, बहुत पसंद है मुझे, सारे एवेंजर्स बहुत पसंद है। जल्दी जल्दी दूसरा स्पाइडर मैन, इसकी लात इतनी बुरी लगती है, मैंने अभी भाई को मारी थी। थर वाली लात है वो, भरे हुए में फोम होता है, क्या होता है समझ। स्पाइडर मैन देख लिया लोगों ने, जल्दी करें आप नेक्स्ट। फिर इन्होंने अपने नाश्ते के लिए भी स्कूल जाते हुए इनको नाश्ता भी करना होता है, बोलिए मैं किसी को तंग नहीं करूंगी भाई, मुझे ये चाहिए मैं इसी से नाश्ता कर लूंगी। चलो भाई ये नाश्ता है इनका, मम्मी डैडी बर्गर बच्ची। नहीं तो भाई सुबह सुबह पराठे वगैरह तो और खाए जाते, वॉमिट कर दूंगी, तो मैंने अपने लिए ये ले लिया। भाई क्या, कौन से खजाने छुपे हुए बैग में, जल्दी निकालो। और ये मैंने कलर्स लिए, हालांकि अब मैं 9 में आ चुकी हूँ लेकिन मुझे कलर्स की अभी मतलब जरूरत है नहीं। लेकिन ये क्या है, छोड़ी बच्ची, चलिए जल्दी आगे बढ़िए आगे बढ़िए। गाइस मैंने कलर्स ले लिए लेकिन गाइस मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा फिर हमने लिए दो इंक पॉट, एक ब्लैक और एक ब्लू, मैंने बोला था सिर्फ ब्लू ले लो लेकिन भाई ने बोला नहीं ब्लैक भी ले लो, तो ब्लैक से क्वेश्चन लिखते हैं और ब्लू से आंसर लिखते हैं सिंपल। फिर मैं वो पॉइंटर से लिखती हूँ लेकिन भाई ने बोला ब्लैक इंक लो वरना कपड़े कैसे गंदे नहीं होंगे और फिर इंक के दाग कैसे नहीं जाएंगे, तो तुम ब्लैक इंक लगा के आना। यूनिफॉर्म किस कलर की है आपकी? मेरी व्हाइट और रेड। तरकी जा रही है फिर, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई न्यू स्टिकी नोट्स आए थे तो भाई ने मुझे ये भी दिला दिया। चलो स्टिकी नोट्स नेक्स्ट नेक्स्ट खत्म। ये मेरे 3 इंक पेन है, मैंने भाई को बोला से मुझे एक दिला दो, भाई ने बोला नहीं 3 ले लो, अब तो मैं काम होता है ना घर पे, अक्सर मैं नहीं होता हूँ कहीं इनके पेन गुम हो जाए, पेन की वजह से काम रुक जाएंगे, तो मैंने बोला चलो पेन ले लो एक्स्ट्रा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, 8 क्लास में आकर अगले साल 9 के पेपर देंगे, मैट्रिक के पेपर देंगे और फिर मेरे बच्चे ही संभालेंगे। चलो पप्पो हाँ आगे। 3 मैंने
मैंने ये ले ली, फिर उसके बाद मैंने एक वाइटो, वाइटो पता नहीं लाओ था नहीं भाई। चल भाई, इन्होंने ये वाइटो खरीदा, ये रिमूवर खरीदे और ये हाइलाइटर खरीदे और इसी उसमें हमारे खर्चे हो गए। खैर चलो कोई बात, मेरी प्यारी सी बेटी है ये, इसके लिए मैं सब करता हूँ। अब यहाँ तो हम नानू क्या थे, अब हम जाएंगे अपने घर, घर पे जाके देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अब यहाँ से तो निकले, घर आते ही नींद वगैरह आ रही थी तो सोने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ही इस व्लॉग को एंड करूं और सो जाऊं। सो आप लोगों ने करना सिर्फ इतना है कि लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है।